snooze till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने सामान में रखे बहुत सारे ढेर सारी दुआओं के साथ। आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। तो जी गाइस, आज का व्लॉग जो है वो है पार्ट टू। आप लोग से पार्ट वन मैंने शेयर किया था पार्ट टू, और इंशाल्लाह पार्ट 3-4 तकरीबन आएंगे, क्योंकि मेरे पास इसकी काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी। ये पॉट ग्राउंड की बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो थी, तो इसलिए मैं आप लोग से थोड़ी थोड़ी करके शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी आसानी से देख सकें और इंजॉय भी कर सकें। तो आप सबसे पहले तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना और वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर जो है 200 सब्सक्राइबर जो है वो कम्प्लीट हो चुके हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, और जिन बहन भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और बहुत सारे लोग जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो को कम्प्लीट वॉच भी किया करें, क्योंकि जो है अभी 200 सब्सक्राइबर तो हो चुके हैं, लेकिन अभी जो है 200 वॉच टाइम 200 घंटे नहीं हुए, क्योंकि बहुत कम लोग वीडियो वॉच करते हैं और वीडियो को कम्प्लीट वॉच नहीं करते, ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। और मेरी आदत ये है कि मैं डिटेल से जैसे कि मैं शुरू से वीडियो बनाने शुरू करती हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि मैं एंड तक बस कुछ जैसे वीडियो के शॉर्ट होते हैं वो फर्स्ट में नहीं लगाती, तो बस मेरी ये थोड़ी सी मिस्टेक है। लेकिन मुझे इतना समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा क्लिप लगाऊं फिर वीडियो के अंदर जो अच्छा होता है, लेकिन मेरी वीडियो एंड में अच्छी होती है और एंड में ही सब लोग छोड़ के भाग जाते हैं। तो खैर इंशाल्लाह वो भी मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन बस टाइम नहीं होता और इतना बिजी होता है बंदा। वीडियो में अपलोड करते हुए, एडिटिंग करते हुए मुझे 1-2 दिन लग जाते हैं, 1 दिन कुछ किया। तो कभी कभी मैं इंशाल्लाह माशाल्लाह से बना लेती हूँ, माशाल्लाह से बना लेती हूँ, और कभी जो है वीडियो अपलोड करते हुए टाइम लग जाता है, क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं। और बस मुझे शौक है कि मैं अपने चैनल को भी टाइम दूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वजह से वो जो है व्लॉग जो होता है वो अपलोड करते हुए रह जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताऊँ कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और मैं आगे जाके आप लोगों को आइसक्रीम दिखाऊँगी, जो कि आप लोग अक्सर देखते हो दुबई में मॉल में या इस तरह की जगह पे, वो आइसक्रीम जो ट्रेंड चला हुआ था वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे आइसक्रीम जो है तवा आइसक्रीम बनती है, और बहुत सारे फ्लेवर हैं, यहाँ पे आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, जो बनवाओगे वो उसी टाइम वो बना के देते हैं। तो ऑलरेडी मेरे चैनल एक दूसरे चैनल पर इसकी वीडियो बनी हुई है, वो मैं आप लोग से शेयर कर दूँगी, उसका लिंक मैं मेंशन कर दूँगी याद से। तो पार्ट ग्राउंड का मेरे दूसरे चैनल पे व्लॉग जो है उसका, और अभी जो है मैंने कहा अभी व्लॉग नहीं बना सकती, क्योंकि मैंने बच्चों को बोला था मैं जाके देखती हूँ वहाँ पे रश है या कुछ भी, तो इसलिए मैंने बच्चों को बोला था कि आप लोग अभी यहीं पे रुको। वो जो है जो हम लोग शो देख रहे थे वहाँ पे बैठे थे, मैंने कहा चलो इनके बाबा को बोला मैं देख के आती हूँ आगे, अगर कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि सब लोग ना सिर्फ शो देख रहे हैं, हालाँकि इतने ज़्यादा लोग थे मुझे समझ ही नहीं आई कि यहाँ पर इतना ज़्यादा रश हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से होटल, और यहाँ पे कुछ भी आप लोग ख़रीद सकते हो, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। रात के टाइम बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है, लेकिन व्लॉग बनाते हुए थोड़ा वो हो जाता है कैमरे का, या कुछ इशू मोबाइल पे अक्सर हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं बच्चों को जल्दी से लेके आऊँ, और बच्चों को मैंने वहाँ पे दिखाने से जो जोकर वगैरह होते हैं और बच्चों के फेवरेट जो क्या उसको कहते हैं टेडी बियर या कुछ भी, तो उनको जब मैंने देखा तो मैंने कहा चलो मैं सभी बच्ची को जो हाथ से ना ले जाती हूँ, और यहाँ पे ये ले रहे थे चीज़। और ये वजी जो है वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था मुझे, और उसने कोई और कलर लेना था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा बाउल था। यहाँ पे चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं बच्चे के,
तो बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, लेकिन लेकिन टॉयज़ या कुछ भी आइसक्रीम आप ले सकते हो या कुछ भी, तो बाहर की निस्बत से आपको तकरीबन डबल डबल जो है पेमेंट जो है वो देनी पड़ती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं लेते हैं, लेकिन हमने भी कुछ चंद चीज़ें थी जो बच्चों को लेके दी। हमने खाना वाना तो वैसे ही घर से ही खाया हुआ था क्योंकि लेट आए थे हम लोग, तकरीबन 10:30 बजे यहाँ पर पहुँचे थे, तो फिर इसलिए हमने खाना जो है वो घर से ही खाया हुआ था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए गाइस, ये समंदर का जो अंदर वाला जो एरिया है, यहाँ पे ही ये वाला जो होटल वगैरह बने हुए हैं, और वो देखिए वहाँ पे ये सब बहरी जहाज़ हैं जो कि बाहर से जिस सामान वगैरह जो आता है यहाँ पे। अभी जो है रात का टाइम थोड़ा कम नज़र आ रहा है, लेकिन मोबाइल में थोड़ा ज़्यादा ही कुछ ऐसा लग रहा है, नहीं नज़र आ रहा, लेकिन यकीन आपको थोड़ा सा फील तो हो रहा होगा। और दिन टाइम इंशाल्लाह किसी दिन हो सका तो फिर इंशाल्लाह आएंगे और दिन का व्लॉग भी मैं आप लोग से शेयर करूंगी। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, जैसे कि आप लोग दुबई में जाते हो या कोई ऐसी जगह पे, नीट एंड क्लीन ये वो। आज बहुत ज़्यादा रश था इसलिए कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, कोई चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही थी, बस बच्चों को मैंने कहा चलो थोड़ा बच्चों को तो इंजॉय करवा लें। और ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट जगह है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसकी जगह के व्लॉग मैंने ऑलरेडी एक दो और भी शेयर किए हैं। तो यहाँ पे ये थी जी आइसक्रीम, जो कोन आइसक्रीम जो के अक्सर आप लोग व्लॉग वीडियोस में देखते हो कि बाहर के लोग इस तरह की जो है आइसक्रीम बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे भाई ये देखें इनका जो है करतब, मैंने कहा चलो भाई मैं अपने व्लॉग में ही शेयर कर लेती हूँ ये कैसे कैसे करते हैं। और मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने यहाँ पर आके जो व्लॉग बनाया और देखा, लेकिन बच्चों का दिल नहीं कर रहा था, उन्होंने बोला कि हमने ये नहीं खानी, उनको कुछ और ही चाहिए था। तो फिर मैंने कहा चलो, और ये सब लोग जैसे कि आते हैं और उनके साथ फन करते हैं और आइसक्रीम वगैरह लेते हैं, और वजी को कुछ चाहिए थे पॉपकॉर्न, वजी बोल रहा था मुझे आइसक्रीम नहीं खानी, मुझे पॉपकॉर्न खाने। तो यहाँ पे पॉपकॉर्न भी आपको बता दूँ जो कि बाहर से आप लोगों को 20-30 का मिल जाता है, यहाँ पे 150-250 तक तकरीबन मिलता है। तो यहाँ पे कितनी भी चीज़ें थी, मैं आप लोग को बस साथ में प्राइस भी बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा महंगी थी, जो कि डबल ट्रिपल लगा लो एक किस्म की। और ये यहाँ पे ये देखो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत टेडी बियर पड़े हैं और बहुत ही खूबसूरत, और हमारे बच्चों को ख़ास तौर पर इतना ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है, और ये ऐसी चीज़ें मुझे कभी भी नहीं बोलते, बस इनको बॉल चाहिए होती है और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए होती है, वो बस ज़्यादा जो चीज़ें इनको चाहिए होती हैं बॉल बैट ये वो ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आर्ट हो रहा है और यहाँ पे जैसे कि खूबसूरत से बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने पहले छोटे सा क्लिप लिया था, बच्चे बोल रहे थे हमने भी देखना है, तो उनको दिखा रही थी। तो गाइस अभी जो है इस व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है इसलिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग से और वीडियो शेयर करूँगी, और बहुत सारी और भी वीडियोस हैं, सॉन्ग की वीडियो बहुत सारी हैं, तो वो भी मैं आप लोग से शेयर करूँगी, हो सकता है कॉपीराइट आ जाए या ना भी आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।